ध्यान लगेगा मन को नियंत्रित कर, लेकिन मन को नियंत्रित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं, ध्यान लगाने के बाद, जैसे अभी हमने पिछले श्लोक में देखा कि 10 एट्रीब्यूट्स भगवान बताते हैं कि भगवान के बारे में कैसे देख रहे हैं। अब वो कोई मन से सोचना नहीं है, वो सत्य है। जैसे एक होता है, मान लो भगवान ऐसे हैं, ये तो मन घड़क हो गया। लेकिन अगर मान लो आप कहीं जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उस व्यक्ति को ये लिफाफा दे दो, तो आप तो उस व्यक्ति को जानते नहीं हो। अभी या तो आजकल फोटो आ गया ना, व्हाट्सएप भेज दिया, देखो ये व्यक्ति वहाँ खड़ा होगा, आप जानते नहीं हो। तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लंबे बाल होंगे, काली आंखें होंगी, लाल कलर का शर्ट पहना होगा, नीले कलर का जीन्स, ऐसा डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो भगवान पिछले श्लोक में एक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपना, इसके कारण हमें समझने में आसानी हो। अब बता रहे हैं जब ध्यान करेंगे तो क्या होगा। भ्रू और मध्य षट चक्र योग होता है, 6 चक्र होते हैं, तो भ्रू और मध्य ये आंखों की जो भवे हैं इनके मध्य में ध्यान लगा लें। कैसे कर पाएंगे? ध्यान लगाना आसान है, मन को पूरी तरह नियंत्रित करके हम ध्यान लगा सकते हैं। मन को कैसे नियंत्रित करेंगे? ध्यान लगेगा मन को नियंत्रित कर, लेकिन मन को नियंत्रित करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भगवान कह रहे हैं योग शक्ति द्वारा, आप योग करेंगे उससे आपको शक्ति मिलेगी, फिर आप मन को पकड़ पाओगे और उसको स्थिर कर पाओगे और यहाँ पे ध्यान लग पाओगे। उसके बाद क्या, ये तो हो गया ध्यान लगाना, अब भाव क्या होना चाहिए? भगवान बोलते हैं प्रेम भाव से, प्रेम से भक्ति द्वारा भगवान पे ध्यान लगाना है। तो 4 यहाँ पे चीजें बताई। अब देखिए 6 अध्याय में भगवान ध्यान योग बता चुके हैं, कैसे ध्यान लगाना है, भ्रुवो और मध्य है ना, भवों के मध्य में कैसे स्थित करना है, वो तो भगवान पहले बता चुके हैं, अर्जुन ने बोला ये नहीं। अब दूसरी बात बता रहे हैं मन को वश में करना, ये भी भगवान 6 स्कंद बताए, ये भी भगवान ने 6 अध्याय में बताया है कि मन को कैसे, अभ्यास है न तु कौन्तेय वैरागेण च गृहते, अभ्यास और वैराग इसको प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस को क्या कहते, योग, योग की प्रैक्टिस करना है। किसकी प्रैक्टिस करना है? योग की प्रैक्टिस करना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सोए रहोगे और सडनली सब हो जाएगा। एक स्टूडेंट, आपके घर में कोई बच्चा है 10th क्लास में पढ़ रहा है, तब क्या बोलते हो, बेटा 9th हो गया, 10th है, थोड़ा ध्यान दो, ज्यादा बोर्ड एग्जाम है, अभी से तैयारी में लग जाओ, एग्जाम 10 महीने बाद है, लेकिन अभी से तैयारी लगवाते हो। क्यों? बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मम्मी, मैं तो आराम से सोऊंगा, टीवी देखूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट देखूंगा, वर्ल्ड कप देखूंगा। फिर क्या होगा, पढ़ेगा कब? अरे अभी 10 महीना है, 4 अप्रैल को एग्जाम है ना, 3 अप्रैल को पढ़ाई चालू कर दूंगा, देखना फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा। आप मानोगे उसकी बात को? तो फिर आपका मन आपको धोखा दे रहा है कि पूरा जीवन जो है भौतिक संसार में लगे रहो, भगवान की भक्ति मत करो, बस मृत्यु के समय हे कृष्ण हे राम, हरे कृष्ण हरे राम याद करके हो जाएगा? नहीं होगा, ये नहीं चलने वाला है। अभ्यास, भगवान बोलते हैं अभ्यास पूरा जीवन करना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन जागेंगे, हाँ मेरे को भगवान मिल गए, बस नहीं मिलने वाले। छोटी छोटी भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और आपको लगता है कि भगवान ऐसे ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं योग का अभ्यास करो। लेकिन अब बात आती है कौन से योग का, कर्मयोग का, ध्यान योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का। देखिए अभी वो समय निकल चुका है, अर्जुन ने 5000 साल पहले बोल दिया नहीं होगा ध्यान व्यान लगना, नहीं होगा मेरे से, कुछ और बताओ। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, बोला ना भगवान युद्ध करो ना। तो भगवान बोलते अपनी पढ़ाई करो, जॉब जाओ, बिजनेस जाओ, घर गृहस्थी चलाओ, संसार चलाओ, लेकिन माम अनुस्मरण, पहले भगवान का स्मरण करो फिर अपना संसार चलाओ। उससे क्या होगा, उससे प्रोटेक्शन होगा। देखिए बाहर से हम कोई भी चीज को कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ खाना बनाया, ढोकला बनाया, अब ढोकला को पैक करना है, तो आपने 4 पीस ढोकला को कैसे दोगे, हाथ में ले जाओ, ढोकला को पूरा पैक करोगे, तो फॉइल लोगे उसको रख के पूरा पैक, ढोकला कचौरी समोसा जो भी उसको पैक करोगे, बाहर से पूरा पैकिंग, तो अंदर वो सेफ रहता है, मतलब 8 दिशाओं से वो प्रोटेक्टेड है। तो भगवान क्या करे, मां मनुस्मरण युद्ध चाहो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप अब संसार में हो तो संसार में कुछ तो करना ही पड़ेगा, धर्म के मार्ग पे रह के करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। भगवान ये कह रहे हैं
कि पहले मेरी भक्ति करो, उससे क्या होगा, आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि जो है वो शार्प हो जाएगी, सही गलत में भेद कर पाएगी। मन सही जगह पे, एक जगह पे, सही जगह छोड़ो एक जगह पे स्थिर नहीं हो रहा है। आज तो लोग गलत जगह हो सही जगह हो मन को स्थिर करा ही नहीं पा रहे। आज देखा है आपने कितना परेशान है, स्पेशली जो युवक है बहुत ज्यादा परेशान है। जब खेलने जा रहे हैं तो खेलने में मन नहीं लग रहा, मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी में मन नहीं लग रहा, पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, घर में दोस्तों के साथ बैठ गए मान लो घर में दोस्तों को बोला वहां मन नहीं लग रहा, मम्मी पापा के साथ बात करो वहां मन नहीं लग रहा, मन लग ही नहीं रहा है तो कैसे मन लगेगा। भगवान बोलते जब मेरा भक्ति करोगे तो बुद्धि जो है वो शार्प होती है, इंटेलिजेंस शार्प होता है और मन को एक जगह स्थिर कर पाओगे, तब जाके इंद्रियां जो है सही काम में लगेंगी। और फिर आप करो काम तो शुद्ध इंद्रियों के साथ, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध बुद्धि के साथ आप कार्य कर सकते, और फिर आपको सक्सेस मिलेगा, संतुष्टि भी मिलेगी। सक्सेस मतलब क्या है, रिजल्ट अच्छा आएगा और संतुष्टि मिलेगी। अभी तो लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी डिप्रेशन आ जाता है, संतुष्टि कहाँ होती, आए दिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, एंग्जाइटी है तभी ना हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसे कैसे हार्ट अटैक हो जाएगा। ये जो है भगवान हमें समझा रहे हैं कि आप पहले भक्ति करो, तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने क्या कहा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आप सवेरे भक्ति कर लो अच्छे से, फिर अपने काम काज को निकल जाओ, शाम को आके फिर थोड़ा भक्ति करो, तो फिर दोनों तरफ कवरिंग हो गया ना। अब बीच में आपकी एक्टिविटी वो शुद्ध हो जाएंगी क्योंकि दोनों तरफ से आपने भक्ति से खुद को कनेक्ट कर दिया है। तो भगवान बोल रहे हैं पहले भक्ति, उस भक्ति योग का अभ्यास अभी से करना पड़ेगा, आज से करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो करूंगा। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम लोग जवान लोग को क्यों भक्ति में लगा रहे हो। आज तो भाई साहब देखिए कौन जवान है कौन बूढ़ा है समझ में नहीं आता। श्रील प्रभुपाद 75 साल के अमेरिका में कुछ नौजवान लड़कों को संन्यास दे रहे थे, तो आप एक रिपोर्टर पहुंच गई, वो 25 साल की थी, तो उसने प्रभुपाद से कहा स्वामी जी ये नए लड़के हैं जवान लड़के हैं 20-22 साल के, आप इनको संन्यास दे रहे हो इतना जल्दी। मैंने सुना है, मैंने भी थोड़ा वैदिक इतिहास पढ़ा है, मैंने सुना है संन्यास जो होता है वो तो मृत्यु के पहले लिया जाता है, मतलब बाद में बुढ़ापे में। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है, बोले 25 साल। प्रभुपाद ने कहा मेरी 75 साल है तुम्हारी 25 साल है, तुम गारंटी दे सकती हो कि मेरे से पहले तुम नहीं मरोगी। नहीं नहीं स्वामी जी गारंटी तो ना कोई कभी भी मर सकता है। प्रभुपाद बोले यही तो बात है, जब कोई कभी भी मर सकता है मतलब हर व्यक्ति बूढ़ा है, कभी भी कोई मर सकता है। तो 20-20 साल में बच्चों को जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है, तो आप वेट करोगे बाल पकने का कमर टूटने का बूढ़ा होने का, नहीं हर व्यक्ति बूढ़ा है। तो इसलिए इमीडिएटली भक्ति करनी, हम जवानों को भक्ति नहीं करा रहे, हम तो संसार में हर कोई बूढ़ा है उसको भक्ति करा रहे, और वो अभी से अभ्यास करेगा, हो सकता है 20 साल की उम्र में 10 साल की उम्र में भक्ति करे और 90 साल जी जाए, तो कम से कम 70-80 साल सोच रहे हैं आप, उसका अभ्यास इतना स्ट्रांग होगा जब उसका मृत्यु का समय आएगा तो कैसे भगवान पे ध्यान पूरी तरह हो जाएगा उसका केंद्रित, और इस संसार से मोक्ष प्राप्त के निकल जाए। आप अभ्यास नहीं करोगे नहीं निकलोगे, अटक जाओगे, इसलिए अभ्यास जरूरी है। तो भगवान बोल रहे हैं अभ्यास करो उसका, किसका, भक्ति योग, वही प्रेममयी सेवा आपको भगवान के पास पहुंचाएगी। हरे कृष्ण।